तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैस्टर ऑयल को हम एज अ हेयर ग्रोथ ऑयल कैसे यूज़ करेंगे और अपने बालों को कैसे घना करेंगे उसके बारे में देखेंगे। कैस्टर ऑयल जिसे हिंदी में अरंडी का तेल कहते हैं, क्या इसको लगाने से बाल बढ़ते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, इसको लगाने से बाल नहीं बढ़ते हैं। इसमें केवल एक ऐसा मोलियंट होता है जो कि हमारे बालों को डीप नरिशमेंट देता है और मॉइस्चराइज करता है। तो फ्रेंड्स, मोस्टली हम मोलियंट को प्रिपेयर करते हैं एलोवेरा जेल से या फिर कोकोनट ऑयल से या आलमंड ऑयल से, बट कैस्टर ऑयल में ये मोलियंट नेचुरली प्रेजेंट होता है जो कि हमारे बालों को घना करने में, चोटी को मोटा करने में और बाल को बड़ा करने में हेल्प करता है। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैस्टर ऑयल को हम एज अ हेयर ग्रोथ ऑयल कैसे यूज़ करेंगे और अपने बालों को कैसे घना करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है मैजिकल वे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल कैंडिस ग्लैम। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें ताकि वो भी वीडियो का बेनिफिट ले सकें। आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कैस्टर ऑयल, जिसे हिंदी में अरंडी का तेल कहते हैं, इसका सही इस्तेमाल हम कैसे करें जिससे हमारे बालों की डेंसिटी बढ़ सके और हमारे हेयर ग्रो कर सकें। तो अगर आप टिपिकली पढ़ेंगे कि कैस्टर ऑयल से हमारे बाल ग्रो होते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बाल कैस्टर ऑयल के यूज़ से ग्रो नहीं करते हैं, बट कैस्टर ऑयल में एक ऐसा मूलियंट होता है जो हमारे बालों को डीप नरिश करता है और हमारे हेयर्स को प्रमोट करने में हेल्प करता है। बट आज मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप होम रेमेडी, कोई भी होम रेमेडी ट्राई कर रहे हैं तो अपने माइंड में पॉजिटिव थाट जरूर रखें। अगर आप पॉजिटिव थाट नहीं रखेंगे तो आप कोई भी रेमेडी यूज़ कर लीजिए, रेमेडी तो आपको वर्क ही नहीं दिखाएगी। वो तो कहेगी भाई कर लो, आपको जो करना है कर लो, मैं तो वर्क करने वाली ही नहीं हूँ। इसलिए आपका पॉजिटिव माइंड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मोलियंट क्या है? तो मोलियंट एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि कैस्टर ऑयल में नेचुरली पाया जाता है, जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हमारे हेयर्स को डेंसिटी देता है, हेयर को डीप मॉइस्चराइज करता है, साथ ही साथ हमारे स्किन को भी शाइनी बनाता है। जी हाँ दोस्तों, कैस्टर ऑयल को आप हेयर के साथ साथ अपने स्किन पर भी लगा सकते हैं। इस वेरी गुड फॉर स्किन। कैस्टर ऑयल का एप्लीकेशन गर्मियों में इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा थिक एंड चिपचिपा होता है, जिस कारण से गर्मियों में इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। कैस्टर ऑयल से अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा डीप नरिशमेंट मिले तो कैस्टर ऑयल को डबल बॉयलर प्रोसेस से गर्म कर लीजिए, जिससे ये थोड़ा लूज़ हो जाएगा। देन उसके बाद इसका एप्लीकेशन आप किसी कॉटन की हेल्प से अपने हेयर रूट्स पर लगा लीजिए। आपको केवल हेयर रूट्स पर लगाना है, मसाज नहीं करना है, क्योंकि ये ऑयल लगाते लगाते ही इतना ज़्यादा थिक हो जाएगा कि आपके हेयर्स जो हैं वो रूट से टूट सकते हैं। इसलिए केवल आपको रूट्स पर अप्लाई करना है, ना कि मसाज करना है। और अगर आप चाहते हैं कि कैस्टर ऑयल को आप अपने हेयर लेंथ पर भी अप्लाई करें तो इसमें एज अ कैरर ऑयल आपको मिलाना होगा। कैरर ऑयल मिलाने के बाद आपका जो ऑयल है वो थोड़ा लूज़ हो जाएगा। देन उसके बाद अपने हेयर लेंथ पर इसे आप अप्लाई कर सकते हैं और 2 घंटे तक रखिए, उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए जैसे आप नॉर्मली हेयर वॉश करते हैं। आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड शाइनी हो गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैरर ऑयल क्या है? तो कैरियर ऑयल जो है वो एक सपोर्टिव ऑयल होता है जिसे हम थिक ऑयल के साथ मिलाते हैं ताकि वो थोड़ा लूज हो जाए और उसका एप्लीकेशन करना इजी हो जाए। एज अ कैरियर ऑयल आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जिसके लिए कंफर्टेबल है आप उस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में बहुत ही अच्छे शाइन आए तो इसे आप अपने रूट्स पर अप्लाई करें और कैरियर ऑयल मिलाकर इसे अपने हेयर लेंथ पर अप्लाई करें, टॉवल लगाकर थोड़ी देर रहने दें, देन उसके बाद हेयर वॉश कर लें। बिलीव मी गाइस, इतनी अच्छी आपको कंडीशनर मिलेगा कि आपको हेयर स्पा में भी नहीं मिलने वाला है। एक बार इस रेमेडी को ट्राई जरूर कीजिएगा। आपको रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना है, केवल वीक में एक बार ही इस्तेमाल करना है और इसको लगा के बिल्कुल भी मसाज नहीं करना है, केवल हमें रूट पर अप्लाई करना है। आई होप अंडरस्टैंड। दूसरा तरीका है कैस्टर ऑयल का हम कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके कैसे यूज़ करें। तो जितना आपने कैस्टर ऑयल लिया है उतना ही आपको कैरियर ऑयल लेना है। कैरर ऑयल में आप जो भी आपके पास ऑयल अवेलेबल है आप उसे ले सकते हैं या फिर जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं आप वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है, जब ऑयल हल्का लूज़ हो जाए देन उसके बाद आपको इसका एप्लीकेशन अपने हेयर रूट्स पर लगाना है, हेयर लेंथ पर लगाना है। नॉर्मली आप जैसे ऑयलिंग करते हैं बस वैसे ही ऑयलिंग कर लीजिए। पहले यूज़ के बाद आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो तीसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से
कैस्टर ऑयल यूज़ कर रखा है या फिर अपने हेयर को हेयर ग्रोथ के लिए कंफर्टेबल कर रखा है, यानी कि उन्होंने पहले ही ऑनियन जूस, गार्लिक जूस, कड़ी लीफ जूस अपने हेयर्स पर अप्लाई कर रखा है। तो ये एप्लीकेशन आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट दिखाई देगा। बट जिन्होंने इनका इस्तेमाल नहीं किया है, पहले वो एक पैच बना लें और पैच टेस्ट ले लें, देन उसके बाद इसका यूज़ करें। इस प्रकार के एप्लीकेशन के लिए आपने जितना ही कैस्टर ऑयल लिया है उतना ही आपको ऑनियन जूस लेना है। आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग जूस ले सकते हैं, ऑनियन जूस ले सकते हैं, गार्लिक जूस ले सकते हैं, जिंजर का जूस ले सकते हैं या फिर करी लीफ जूस ले सकते हैं, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं आप वो ले सकते हैं। देन उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो इसका एप्लीकेशन अपने हेयर रूट्स पर लगाना है, ना कि हेयर लेंथ पर, और इसे लगाकर मसाज बिल्कुल नहीं करना है। 1 से 2 घंटे रखना है, देन उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है। जैसे आप नॉर्मली हेयर वॉश करते हैं वैसे ही हेयर वॉश कर लें। इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। 2 से 3 एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे उसके बाद ही आपको बेबी हेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 14 तरीका है एज अ हेयर टोनर बनाकर। तो आप जितना ही कैस्टर ऑयल लिए हैं उसमें 10 बूंदे आप एसेंशियल ऑयल का ऐड कर लें, या फिर आपके पास जो भी एज अ कैरर ऑयल अवेलेबल है या फिर आप उसके लिए कंफर्टेबल हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एज अ कैरर ऑयल ऑलिव ऑयल यूज़ करें, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डीप जाके आपके हेयर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और कैस्टर ऑयल को वहाँ तक ले जाता है जहाँ तक आपके बालों को ज़रूरत होती है, यानी रूट्स तक। एक टॉपर में आप कैस्टर ऑयल ले लीजिए और एज अ कैरर ऑयल आप जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे ले लीजिए। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपने हेयर रूट्स पर अप्लाई कर लीजिए। इस एप्लीकेशन का यूज़ आपको हेयर वॉश करने से पहले करना है। हेयर वॉश के बाद इसका यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। बट जो लोग इसके साथ कंफर्टेबल हैं तो वो पूरी रात इसको लगाकर रख सकते हैं। केवल हेयर रूट्स पर लगाना है और आपको लगाकर मसाज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे, यानी वीक में एक बार आपको यूज़ करना है, तो आपके न्यू हेयर ग्रोथ प्रमोट होंगे, साथ ही आपके हेयर्स की डेंसिटी भी बढ़ेगी। आई होप आप सभी ने इस टॉपिक को भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।